नमस्कार, अगेन आपका वेलकम है। और आपने इन एक्सरसाइज को किया, अगर आप इस एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कर पाए बहुत बढ़िया है। अगर आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाए तो उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से कनेक्ट है और आपका राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है, ये क्रॉस में होती है, इसलिए सारी एक्सरसाइज क्रॉस में आपको बताई गई। तो जब आपने एक ब्रेन को काम दिया उसने अच्छे से कर लिया, दूसरे ब्रेन को काम दिया उसने अच्छे से कर लिया, लेकिन दोनों ब्रेन को जैसे आपने एक साथ में काम दिया तो दोनों ब्रेन आपके एक साथ में काम नहीं कर पाए, तो दोनों ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो आगे देखते हैं हम लोग, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आपके सामने ये स्क्रीन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता इन्हें। और मैं कभी कभी ये सवाल मेरा हर किसी से होता है कि ये कौन लोग थे जो इस दुनिया के अंदर आए और इन्होंने इतने बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई। क्या ये कोई भगवान थे जिन्होंने इस तरीके के काम किए? नहीं, ये काम लोग थे। लेकिन इनमें और आप में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। या फिर हर कोई आज स्वामी विवेकानंद की तरह दिमाग चाहता है, मेमोरी चाहता है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी किताब को पढ़ा, वो किताब उनको याद हो गई, और हर कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना चाहता है। तो बन क्यों नहीं सकते? पहली बात कि हर कोई बन सकता है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। एक और चीज़ आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ये स्लाइड बताऊँगा। इस पिक्चर को देखिए, जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन, इनको भी सारे लोग जानते हैं, और इन्होंने जो आविष्कार किए आज हमसे छुपे नहीं हैं। अगर इनके आविष्कार नहीं होते तो आज हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे होते। लेकिन अगर इनके बचपन की बात करूँ तो इनका बचपन इतना अच्छा नहीं था जिस तरीके से हमने बहुत अच्छा बचपन बिताया है, क्योंकि इन्हें स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी ये स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए तो इनको ये कह के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि ये रिटायर्ड हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, डाउन सिंड्रोम है, मंद बुद्धि बालक है, और स्कूल इनके लिए नहीं बना, हम इनको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, तो ये कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। तो आज मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको जो दो पिक्चर दिखाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन, क्या आप इनकी तरह नहीं बनना चाहते? क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि इन्होंने ये काम कैसे किए? एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ा करता था, एक बच्चा था मैं भी, तो हम लोग डिस्कस किया करते थे कि इन्होंने इतने बड़े आविष्कार कैसे कर लिए, या फिर इन्होंने इतने बड़े आविष्कार कैसे कर लिए, या फिर ये इतने अमीर कैसे बन गए, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें कैसे की। तो उस टाइम पे हमारे पास जो हमें जवाब सुनने को मिला करता था, जो हमें जवाब सुनने को मिलता था कि इन्होंने अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ किया। तो उस टाइम तो मेरे पास ऐसा कोई स्थान नहीं कि दिमाग का यूज़ ज़्यादा किया तो ये किस आधार पर बोला है, मतलब इसका मेज़रमेंट कैसे किया। लेकिन आज मुझे पता है कि इसका मेज़रमेंट किस आधार पर हुआ। हमारा ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन्स इतना छोटा है, अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास पेंसिल है, अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूं तो इस पेंसिल के पॉइंट के ऊपर तकरीबन 1200 से 1500 न्यूरॉन्स आ जाएगा, इतना छोटा, इतना बारीक न्यूरॉन्स होता है। और ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसमें 150 से 160 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप ज़रा कैलकुलेट करिए, 160 का 160 का मल्टीप्लाई आप करिए 10,000 करोड़ से, इतना बड़ा फिगर आएगा, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इतनी मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर है। लेकिन फिर हम उस मेमोरी का यूज़ क्यों नहीं कर पाते? सोचने वाली बात है। तो हम इसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, और इस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाता है, इसी को लेके हमारे प्रोग्राम्स हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग, मेमोरी और भगवद गीता है। उसकी अगर बर्थ की बात करो, जो हमारे आगे जो पेड प्रोग्राम है उसकी बर्थ आज प्राइसलेस है, उसकी मैं कोई बर्थ नहीं लगा सकता, मतलब आप कितना उसका पैसा आप पे करोगे? क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर कोई आपको बताता नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो वो प्रोग्राम भी आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बताया। तो अभी क्या करना है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा ब्रेन के न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग का यूज़ करने लगोगे। आप दिमाग के जिस हिस्से का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप ब्रेन एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, ब्रेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, ट्रेंड होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हमेशा बिलो द नेक काम करते हैं, अबव द नेक कभी काम करते ही नहीं है। अगर आपने अबव द नेक अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, अगर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी आपने पेन लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप भी स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह प्रसिद्ध हो सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जो है इस दुनिया को आप दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको
एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो की खासियत क्या है ध्यान से देखना है। जैसे कि हमने पहले ब्रेन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज की थी उस एक्सरसाइज को हफ्ते में 2-3 दिन करना है और 1 मंथ तक कंटिन्यू कम से कम करना है आपको। और इन वीडियो को भी, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को भी देखना है। आप हफ्ते में 2-3 दिन देख सकते हैं। जिस जगह बैठ के देख रहे हैं वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और थोड़ा सा डार्कनेस होना चाहिए। ओके, सो आपका ब्रेन भी उस तरीके से एक्टिवेट होगा। तो ये वीडियो देखते हैं।